इंदौर में 25 से 29 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स की बैठक आयोजित की जानी है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों के लिए की जाने वाली फंडिंग को रोकने के लिए बना है। बैठक में विभिन्न देशों के करीब 200 डेलीगेट्स शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत सरकार की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल इंदौर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में 25 से 29 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स की बैठक होने जा रही है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रदेश के कई मंत्रीगण शामिल होंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस बैठक की तैयारी का जायजा लेने के लिए भारत सरकार की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल इंदौर आए। उन्होंने यहां अधिकारियों से बैठक को लेकर विस्तृत चर्चा की, साथ ही पूरे बैठक स्थल का भ्रमण कर जायजा भी लिया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों के लिए की जाने वाली फंडिंग को रोकने के लिए यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। भारत के साथ बेलारूस, चीन, रूस, कजाकिस्तान सहित 9 देश इसके सदस्य हैं। बैठक के लिए विभिन्न देशों के करीब 200 प्रतिनिधि इंदौर आएंगे। क्या है कि जब भारत ने अपना काम किया और भारत ने काम विश्व की संस्था को दिखाया तो हमारा जो मॉरल स्ट्रेंथ है वो बढ़ा, क्योंकि अब हम जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश अगर गड़बड़ करते हैं तो उनको हम FATF के स्टैंडर्ड और FATF की गाइडेंस के माध्यम से जो नियम है उनमें बांध सकते हैं। और जो भारत की बात है वो विश्व की जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो मुल्क हैं, उनके माध्यम से भी हम प्रेशर बना के उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है, हम भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व से इन्वेस्टमेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट तब आता है जब ये सिद्ध हो कि किसी देश का फाइनेंशियल सिस्टम सिक्योर है। तो जो हम काम कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो रहा है कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम सिक्योर है। अगर विश्व की संस्थाएँ भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं, चाहे वो हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे हमारे यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, नई फैक्ट्रीज लगे, नया उद्योग आए, उन सब में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं भारत में, तो भारत का लीगल एनवायरनमेंट ऐसा है, कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर किसी देश की सिद्ध होती है तो उससे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ता है। तो वो उस पूरे प्रयास में ये भी एक कड़ी है कि जब कॉन्फ्रेंस देश में होती है तो देश के सिस्टम्स को जो बाहर के डेलीगेट्स हैं वो आके देखते हैं और समझते हैं, और जब वो मैसेज वापस लेके जाते हैं तो उन देशों के इन्वेस्टर्स को अपने देश में आने की एक अश्योरेंस मिलती है कि भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक अच्छे लीगल एनवायरनमेंट में और सिक्योर एनवायरनमेंट में तरक्की कर सकते हैं। बैठक को लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से संपर्क में हैं। आयोजन के संबंध में दी गई जानकारी और निर्देश के अनुसार ही इंदौर में तैयारी की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक की गरिमा के अनुसार व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। सो नॉर्मली जो हेड ऑफ डेलीगेशन होते हैं वो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उस देश के, तो कई जगह पे वो उनके सेंट्रल बैंक के बड़े अधिकारी होते हैं, कई जगह पे जो उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उनके सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर या चेयरमैन होते हैं, और कई कंट्रीज़ में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी हैं वो उनके हेड ऑफ डेलीगेशन होते हैं। पर हर एक डेलीगेशन में अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उसमें पुलिस के लोग भी आते हैं, साइबर क्राइम के लोग भी आते हैं,
इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आते हैं, फिर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग पे काम करते हैं, सैंक्शन स्क्रीनिंग पे काम करते हैं, फिर जो उनके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जैसे भारत से आरबीआई के अधिकारी होते हैं, सेबी के अधिकारी होते हैं, उनके भी जो सिक्योरिटी रेगुलेटर हैं वो आते हैं। तो हर एक डेलीगेशन में 10 20 15 अधिकारी आते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं और वो फिर अपने क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर वो चर्चा करते हैं। दरअसल भारत सरकार डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय है और इस पर नकेल कसने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में इंदौर में हो रही इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर भी एक्सपर्ट्स चर्चा करेंगे। उसमें हर तरह की जो टाइपोलॉजीज हैं, जो नए तरह के अपराध हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है और उनको काउंटर करने के लिए किस प्रकार के कानूनी परिवर्तन होने चाहिए उस पर विचार विमर्श होता है। तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर विचार विमर्श इस कॉन्फ्रेंस में होगा और वो लगातार FATF के विभिन्न फोरम में होता रहता है और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस आती हैं जो देश की विभिन्न संस्थाएं मिलकर उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये आपकी बात सही है कि जो ये मुद्दा है जहाँ पे साइबर फ्रॉड एक बड़ा क्राइम का मुद्दा है, वो FATF और FSRB जो EAG है उसकी डिस्कशंस का एक अहम हिस्सा है। बहरहाल बैठक के मद्देनजर इंदौर में अधिकारियों के लिए तमाम बड़े होटल रूम बुक किए गए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर अतिथियों के पारंपरिक स्वागत से लेकर डेलीगेट्स की मीटिंग, उनके आने जाने, ठहरने, टूर सहित अन्य तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग से जुड़े बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।